नमस्कार दोस्तों, नेचर स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ, गले में अगर दर्द है तो उसके लिए हम किस थेरेपी का या फिर कौन सी ऐसी घरेलू वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे गले का दर्द बंद हो जाए। वैसे तो यह आम बीमारी है और इसमें हर किसी को जानकारी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों मुझे एक औरत मिली जिन्होंने ये कहा कि उनके गले में काफी दर्द है, थोड़ा खिचकी जैसा लग रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो डॉक्टर के पास आ रही है। मैंने कहा कि भाई, इसका इलाज तो घर पर भी हो सकता है, आप खुद इसका इलाज कर सकती हैं, कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं। हाँ, लेकिन अगर एक दो बार किसी भी घरेलू औषधि का उपयोग आप करते हैं या कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, इससे ज़्यादा मैं यही परामर्श दूंगी कि कोई भी दवाई या औषधि का उपयोग आप घर पर ना करें, क्योंकि आप किसी भयंकर बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं और बाद में आपको ऑपरेशन जैसी नौबत खड़ी हो या आपकी बचने के चांस खत्म हो जाए। इसलिए किसी भी दवाई को आप एक महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिए, कोई भी मेथड होने दो आप एक महीने से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। हाँ, अगर आपको रिलीफ महसूस होता है यानी कि आपको आराम होने लगता है तो आप किसी भी दवाई का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये महसूस होता है कि आपको आराम हो रहा है, आराम फील कर रहे हैं आप, तो फिर आप उस दवाई को लगातार करिए ताकि आपको आराम मिल सके। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं उससे तुरंत किसी भी बीमारी को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वह बीमारी जड़ से खत्म नहीं होता। जड़ से खत्म करने के लिए आपको आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना होता है। तो मैं यहाँ पर गले का जो दो दर्द है उसके विषय में बता रही हूँ। जो टॉन्सिल होता है उसमें सूजन आ जाती है, कभी कभी वहाँ पर लाल लाल भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर कुछ यहाँ पर मैं नियम बता दे रही हूँ, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आपको गले के दर्द से यानी कि थोड़ा हल्का हल्का खराश रहता है, अजीब सा महसूस होता है, सूखा सूखा गला महसूस होता है, उस समय आपको काफ़ी राहत इसमें मिल जाएगी। अगर टॉन्सिल बढ़ा हुआ है तो आपको पानी गर्म करके लेना है अच्छी तरह से, इतना कि मतलब आप सहन करके उसे अंदर तक पी सके, अगर आप पीना चाहें तो। वैसे इस पानी को पीना नहीं है, इस पानी से आपको गर्गल करना है। पानी हल्का गुनगुना लें, कम से कम इतना कि सिर्फ आप सहन कर सके, यानी कि पानी काफ़ी गर्म होना चाहिए, जल न जाए आप, इसका ध्यान रखें। और उस पानी में आपको नमक मिक्स करना है, नमक मिक्स करके अच्छी तरह से एक बार उस पानी को इस तरह से थोड़ा मिलाइए, नहीं तो फिर चम्मच से उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए ताकि नमक उसमें फूट गया घुल जाए, और फिर इस पानी से आपको गार्गल करना है। कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक अगर नमक के पानी से आप गार्गल करते हैं और उसके बाद में आप सो जाते हैं, सुबह उठते समय भी आप ऐसा ही गार्गल करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक राहत महसूस होती है। इसके अलावा एक जो गांव में लोग करते हैं कि कभी कभी हम खाना जब खाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं के बाल कभी कभी खाने में गिर जाते हैं, और उसका जो इलाज होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जो महिलाओं के बाल गिर जाते हैं कभी गलती से अगर खाने में चला गया, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गले में जो दर्द होता है वो कभी कभी जो बाल चले जाते हैं, मिस्टेक से बाल चले जाते हैं, क्योंकि कई लोग आंखें बंद करके भी खाना खाते हैं, कई लोग खाना खाते समय टीवी देखते रहते हैं, कई लोगों का खाने पर नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें बात करने की आदत होती है, तो ऐसे में बाल अगर चला जाता है मुँह में तो आपके गले में काफ़ी दर्द होता है, ऐसा मुझे किसी ने बताया है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर ऐसा होता है तो उसमें भी गले में दर्द होता है, तो उस दर्द से निजात पाने के लिए आपको पूरा 1 गिलास पानी भर के लेना है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अगर बाल की वजह से आपको तकलीफ है, अगर आपके खाने में गलती से बाल चला गया है तो गले में काफ़ी दर्द महसूस होता है, बोलने को नहीं होता है, थूक निकलने को नहीं होता, यानी कि जो आपका लार है वह भी निकलने को नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके गले में इसलिए दर्द है क्योंकि आपने खाने में गलती से बाल निकल लिया है। लेकिन अगर आपने खाना ध्यान से खाया है तो आपको टॉन्सिल की तकलीफ हो सकती है, तो आप उसके लिए गर्म पानी का जो मैंने इस्तेमाल बताया आपको, गर्म पानी में आपको नमक मिक्स करना है अच्छी तरह से, वह घुल जाए, इतना मिक्स करने के बाद आपको उसका गार्गल करना है। लेकिन अगर आपने खाना ध्यान से नहीं खाया है और आपके गले में दर्द है, आपको ऐसा शक हो रहा है कि नहीं मेरा बाल गया, हो सकता है किसी का भी बाल गया हो सकता है, अगर बाल जरा सा भी चला जाता है, छोटे बच्चे का भी बाल आपके मुंह में चला जाता है और गलती से गले तक पहुंच जाता है, तो आपको काफ़ी दर्द महसूस होती है, काफ़ी भयानक दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे में घरेलू उपाय जो मुझे बताया गया है, मैं कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, मैं इसे आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। इस तरह से 1 गिलास पानी जो आप पीते हैं, पानी
यानी कि पानी जो आप पीते हैं शुद्ध वाटर जिसे कि आप इस्तेमाल करते हैं वो लेना है। जो कुछ भी पानी आप जैसा डिटॉक्स वाटर पीते हैं तो डिटॉक्स वाटर, मिनरल वाटर पीते हैं तो वो, अगर आप सादा पानी ऐसे ही पीते हैं तो फिलहाल आपको जो पानी पीते हैं जो इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करना है। इस तरह से 1 गिलास पानी लेना है और चाकू लेना है। चाकू को आपको उसमें 2 बार फिराना है, यानी कि फिराना नहीं है, पानी को आपको काटना है। इस तरह से आपने डाला, इसे इस तरह से खींचा, 1 बार हो गया और फिर इसे इस तरह से खींचा, यानी कि क्रॉस, आपको पानी अंदर से क्रॉस करना है, यानी कि 1 बार इस तरह से और 1 बार इस तरह से। आप देख सकते हैं पानी, ये मैंने कट आपको पेन से करके दिखाया। 1 बार ग्लास में इस तरह से कटिए और 1 बार इस तरह से काटिए। दोनों साइड से काटने के बाद में कहते हैं कि जो बाल आपका अंदर गया होता है, गले में फंस गया होता है, वो कट जाता है। और इस पूरे पानी को एक ही सांस में आपको पी लेना है, यानी कि पूरा पानी आपको एक ही बार पीना है, आधा रख नहीं देना है। तो जो बाल अंदर आपको फंसा होगा वो कट जाता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, इसलिए मैंने इस मेथड को आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपको टॉन्सिल है, आप नमक के पानी से गार्गल करिए, 2-3 दिन तक गार्गल करेंगे। अगर आपको टॉन्सिल घर पर ही ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके गले में बाल गया है तो इस तरह से करिए, पानी काट करके उसे पी ले जाइए, पूरा 1 गिलास पानी आपको जरूर राहत होगा। इसके अलावा कभी कभी जो पैर का तलुआ होता है, यहाँ पर मैं ध्यान रखिए दादी द्वारा बताया हुआ नुस्खा आपको बता रही हूँ। पैर का जो हमारा तलुआ होता है, वहाँ पर जैसे कि ये आपका पैर है, ये नीचे का आपका तलुआ है, तो वहाँ पर आपको ये 4 उंगलियाँ जो है, 4 अगर कर सकते हैं, 4-3 अगर कर सकते हैं तो 3, इस तरह से पैर के तलवे में घिसना है। और घिसने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से घिसना है। इस तरह से आप घिसेंगे तो यहाँ पर जो दर्द होता है, अभी ये किस लिए होता है वो मुझे नहीं बताया गया, पर मुझे ये जरूर बताया गया था कि अगर गले में दर्द होता है, दर्द महसूस हो रहा है, तो पैर का जो तलवा होता है वहाँ पर इस तरह से हाथ को ऐसे ऐसे करिए और इस तरह से ऐसे ऐसे करिए। सुबह सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, तो उसमें जरूर राहत हो जाएगी। तो दोस्तों आप इन तीनों मेथड को करके जरूर देखिए। इसके अलावा भी अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आप किसी अच्छे चिकित्सक से जरूर इलाज करवाइए, क्योंकि गले का दर्द आपके लिए भयानक साबित हो सकता है या कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा देर किसी भी दवाई का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर करना उचित नहीं होता है। तो आप इन तीनों को, अगर आपके गले में दर्द है, खराश महसूस हो रहा है, तो जरूर करके देखिए। अगर खांसी जैसा है, आप लौंग को भून करके तवे पे उसको चूसिए, उससे भी गले का दर्द चला जाता है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए।